दोस्तों, हमारे भारत को जिस न्यूक्लियर रिएक्टर सेक्टर में कामयाबी मिली है, उस कामयाबी के लिए भारत की कई कंपनियां कई सालों से दिन रात मेहनत कर रही थीं। और दोस्तों, हमारी भारतीय कंपनियों की इस सफलता के बाद भारत के पावर सेक्टर में सेल्फ डिपेंडेंसी काफ़ी तेज़ी से बढ़ने वाली है, क्योंकि आज से पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज होने वाले फ्यूल मेकिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर भारत अभी तक दूसरे देशों पर पूरी तरह से निर्भर था। लेकिन दोस्तों, जब से खबर मिली है कि भारत की दिग्गज कंस्ट्रक्शन एवं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी L&T अपने कई सालों की मेहनत के बाद जब 700 मेगावाट के स्टीम जनरेटर को सक्सेसफुली डेवलप कर लिया, तो यकीनन दोस्तों हमारे मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट पर गर्व करने वाली बात है। और दोस्तों, L&T ने इसे बनाने के लिए दिन रात मेहनत की है और इसको बनाने में मात्र 6 महीने का समय लिया है। अब दोस्तों, आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर इसका उपयोग कैसे किया जाएगा और कहां पे किया जाएगा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, इसका यूज हीट एक्सचेंज में किया जाएगा, जो कि परमाणु कोर में हीट को प्रोड्यूस करने का काम करेगा और इसी हीट से वाटर को बॉयल करके इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण किया जाएगा। और देखा जाए तो दोस्तों, भारत की इस तरक्की से अमेरिका को इस बात से काफी ज्यादा निराशा हो रही है कि भारत ने अपने मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत स्ट्रीम जनरेटर का निर्माण इतना जल्दी और कम कीमत पर कैसे कर लिया है। पूरी अपडेट क्या है दोस्तों, आज की छोटी सी वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। बस आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा। और इसी के साथ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि आपका हमारे साथ जुड़ना ही मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं मेन खबर की ओर। तो दोस्तों, हमारे भारत में जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, उन्हें ऑपरेट करने के लिए भरपूर मात्रा में एक यूनिक फ्यूल का इस्तेमाल होता है, और अभी तक भारत के पास इसको बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए इस फ्यूल की आपूर्ति के लिए हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था, जिससे कभी कभी न्यूक्लियर पावर प्लांट में इस्तेमाल होने वाले फ्यूल को भारत में पहुँचने में काफी देरी का सामना करना पड़ता था। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इस फ्यूल के लिए हमें दूसरे देशों की कंपनी को हाई कास्ट में भी पे करना पड़ता था, और इसी क्षेत्र में हमारे भारत की दिग्गज कंस्ट्रक्शन एवं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी L&T इस टेक्नोलॉजी पर कई सालों पहले से काम कर रही थी। और हाल ही में कंपनी ने अनाउंस किया है कि हमने स्ट्रीम जनरेटर इंजन को सक्सेसफुली डेवलप कर लिया है। और दोस्तों, स्ट्रीम जनरेटर इंजन की बात की जाए तो यह एक हीट एक्सचेंजर है, जो कि परमाणु रिएक्टर कोर में उत्पन्न गर्मी का उपयोग करके पानी को भाप में परिवर्तित करता है। और यह स्टीम जनरेटर दोस्तों न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को आपूर्ति किए जाने वाला एक काफी महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। और भारत के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी ने इसे बहुत कम समय में डेवलप कर लिया है, जो कि L&T कंपनी की हैवी इंजीनियरिंग का एक काफी बड़ा माइलस्टोन है। आपको दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि आज से पहले भारत में जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑपरेट किए जाते थे, उनमें इस्तेमाल होने वाले रिएक्टर को भी हम रूस और अमेरिका जैसे देशों से इंपोर्ट करके ही डेवलप करते थे। लेकिन दोस्तों, आज जो हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने डेवलप किया है, यह हमारे भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और साथ ही अब भारत को इस क्षेत्र में नई ताकत भी मिलने वाली है, क्योंकि इसके बाद भारत अपने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अपने प्रोडक्शन को और भी ज्यादा बढ़ा सकेगा, क्योंकि हमारे पास स्ट्रीम जनरेटर होने के कारण हम भारत में खुद ही फ्यूल बना लेंगे, जिससे दूसरे देशों से फ्यूल इंपोर्ट करने की लागत बच जाएगी। और इसी लागत का इस्तेमाल करके दोस्तों हम अपनी प्रोडक्शन यूनिट को और ज्यादा बढ़ा पाएंगे। और दोस्तों, आपको जानकर यह खुशी होगी कि इस तरह की टेक्नोलॉजी बहुत ही कम कंट्रीज के पास मौजूद है, और इसे डेवलप करने के बाद हमारा भारत भी उन पावरफुल देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है, जिनके पास न्यूक्लियर पावर प्लांट में इस्तेमाल होने वाली एवं फ्यूल बनाने की टेक्नोलॉजी मौजूद है। और साथ ही दोस्तों, कंपनी के ऑफिशियल्स का कहना है कि भारत में NPCCIL की स्थापना के बाद हमें भारत के परमाणु कार्यक्रम का हिस्सा बनने का अवसर देने के लिए हम भारतीय गवर्नमेंट का धन्यवाद करते हैं। और वहीं इस प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए अनेक कठिनाइयों के बावजूद भी हमने इस माइलस्टोन को समय से पहले ही पूरा कर लिया है। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत इस तरह का रिएक्टर भारतीय कंपनी द्वारा बनना
एक काफी बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि आज से पहले हमें इन कामों के लिए विदेशी कंपनियों पर 100% निर्भर रहना पड़ता था। मगर अब हालात बदल चुके हैं, विदेशी कंपनियों की जगह धीरे धीरे हर क्षेत्र में भारतीय कंपनी ले रही है, जिससे ओवरऑल भारत की ही डेवलपमेंट हो रही है। और हमारे भारतीय एक्सपर्ट का मानना है दोस्तों कि एक समय ऐसा आएगा कि भारत पूरी दुनिया में अपनी डिपेंडेंसी खत्म कर लेगा, चाहे वह यूरेनियम हो या फिर विदेशी रिएक्टर्स हो। और भले ही वह आज का समय हो दोस्तों या फिर आज से 20 साल बाद, क्योंकि भारत के अंदर L&T जैसे बड़े प्लेयर्स इसी तरीके से प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करते रहेंगे और भारत को नई नई टेक्नोलॉजी देते रहेंगे। अल्टीमेट दोस्तों इन कंपनियों के अंदर भारतीय वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, जो दिन रात अपनी मेहनत के चलते भारत को एक नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं। साथ ही कंपनी ने कहा है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट को आज से पहले बनाने के लिए जितने भी रिएक्टर का इस्तेमाल किया जाता था, उन्हें भी हमें अमेरिका रूस जैसे देशों से इंपोर्ट करके ही तैयार करना पड़ता था। लेकिन अब हमने इस रिएक्टर टेक्नोलॉजी को भारत में ही डेवलप कर लिया है और अब हमें किसी और देश से इस तरीके की रिएक्टर टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और साथ ही दोस्तों दुनिया भर के तकनीकी एक्सपर्ट की माने तो इसे भारत का 100% पहला स्वदेशी रूप से निर्मित स्टीम जनरेटर बताया गया है। और साथ ही इसे हमारे भारत के न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में काफी बड़ी जीत भी बताई जा रही है। और देखा जाए दोस्तों तो इस समय भारत न्यूक्लियर पावर प्लांट के मामले में आने वाले कुछ साल जैसे 2040 तक के लिए अपने विजन को क्लियर तैयार कर लिया है, क्योंकि इस समय न्यूक्लियर पावर प्लांट भारत में बिजली उत्पादक का 5वां सबसे बड़ा सोर्स है, जो कि देश में कुल बिजली जरूरतों का लगभग 37% हिस्सा है, जिसे भारत और भी ज्यादा बढ़ाने की तैयारी में है, ताकि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी को न्यूक्लियर पावर प्लांट के माध्यम से प्रोड्यूस किया जा सके। और इसी के चलते दोस्तों भारत की NPCIL न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यह डिसीजन लिया है कि आने वाले लगभग 6 से 7 सालों में, यानी कि साल 2030 तक, हम अपनी न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी को लगभग 23,000 मेगावाट तक पहुंचा देंगे, जबकि इस समय वर्तमान में NPCIL करीब 8200 मेगावाट की क्षमता वाले केवल 24 रिएक्टरों को ही संचालित कर रहा है। यानी कि हम आने वाले 8 सालों में अपनी न्यूक्लियर कैपेसिटी को करीब 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। और यदि हम दोस्तों L&T के पिछले कुछ प्रोजेक्ट पर नजर डालें तो L&T ने कारापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी और इसी पर अब भारत की L&T कंपनी काम कर रही है दोस्तों। और यकीनन ही यह संभव है कि हम अपनी न्यूक्लियर पावर को आने वाले साल 2040 तक करीब 10 गुना तक बढ़ा पाएंगे, क्योंकि दोस्तों आज के वक्त में हमारे भारत की इस मल्टीनेशनल कंपनी की वैल्यूएशन लगभग $25 बिलियन के करीब है, क्योंकि लगभग दुनिया में से 50 से भी अधिक देशों में इनकी प्रोडक्शन यूनिट मौजूद है और हम चाहें तो स्टीम जनरेटर को उन देशों में एक्सपोर्ट करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, जिन देशों के पास अभी भी यह टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है। बाकी आपकी इस बारे में क्या राय है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर से दें। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। और इसी के साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही डिफेंस एवं फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड वीडियो लाता रहूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।